इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट डॉट टीवी। सड़क पर लूट की वारदात आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सड़क पर सुनियोजित लूट की। यह लूट और दादागिरी कोई और नहीं बल्कि मेरठ छावनी परिषद कह रहा है, और ऐसा आज आम लोग जो परेशान हो चुके हैं वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड बैठक का हवाला देते हुए छावनी परिषद शहर में ऐसे स्थानों पर भी वाहनों से जबरन वसूली कर रहा है जो उसकी सीमा से बाहर है। सारी भाजपा ने इसे जनहित के खिलाफ पाते हुए जनमोर्चा खोल दिया है, तो सभी संबंधित विभागों ने पूछ लिया है कि छावनी परिषद किस अधिकार के तहत उनकी सीमा में जबरन घुसकर वाहनों से यह वसूली कर रहा है। गंभीर बात यह भी है कि बीती रात भारी विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि उनके हस्तक्षेप के बाद कैंट बोर्ड ने शहर के 3 मुख्य मार्गों से टोल बैरियर हटा लिए हैं, लेकिन आज भी इन पर ठेकेदार द्वारा डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए वसूली की जाती रही। डीएम अनिल ढींगरा से बात की गई तो वह यह जानकर असहज नजर आए। फिलहाल दिलचस्प बात यह भी है कि जिन टोल बैरियर को संपूर्ण भाजपा जन विरोधी बता रही है, उन्हें लगाने का निर्णय लेने वाले छावनी परिषद बोर्ड में भाजपा का वर्चस्व है, जिस कारण परिषद उपाध्यक्ष व भाजपा सदस्य की भूमिका पर भी सवाल निशान लग रहे हैं। इस सारे खेल में आम लोगों को भले ही कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़ रही हो, लेकिन ठेकेदार की जरूर पौबारा हो गई है। वर्ष 2008 में भी छावनी परिषद ने इसी तरह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए ठेकेदार से मिलीभगत कर निर्धारित स्थल से अलहदा टोल बैरियर लगा दिए थे। परिषद के सीईओ केसी गुप्ता उस वक्त बोर्ड के सर्वोसर्वा थे, चूंकि बोर्ड भंग चल रहा था। इसका भारी विरोध हुआ और ठेकेदार की इस लूट पर तुरंत ही अंकुश लग गया था। दरअसल छावनी परिषद अपनी सीमा में काफी समय से 6 स्थानों पर टोल वसूल रहा है, लेकिन 8 दिसंबर को एकाएक ही 5 और टोल बैरियर सामने आ गए और उन पर वाहनों से वसूली की जाने लगी। इन नए स्थानों में 3 टोल बैरियर ऐसे हैं जो छावनी परिषद की सीमा से बाहर हैं और वो मार्ग लोक निर्माण विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। इन पॉइंट का ही सर्वाधिक विरोध हो रहा है और कमाई की दृष्टि से ही ये पॉइंट ठेकेदार के लिए मुफीद हैं। कुछ स्थानों पर छावनी परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन का हवाला भी दिया है, लेकिन ये बात बताने को छावनी परिषद का कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या उन स्थानों पर भी वसूली का अधिकार छावनी परिषद को दे दिया है जो उसकी सीमा से भी बाहर हैं। इस बारे में परिषद के सीईओ प्रसाद चौहान से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिले। अलबत्ता छावनी बोर्ड के इस निर्णय को जन विरोधी पाते हुए भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल व महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल आदि ने मोर्चा खोलते हुए छावनी परिषद सीईओ डीएम व एसएसपी से भी मुलाकात की। सीईओ का कहना है कि यह फैसला बोर्ड बैठक में लिया गया, लिहाजा अब अगला कोई भी निर्णय बोर्ड बैठक में ही लिया जाएगा, यानी तब तक टोल बैरियर पर वसूली होती रहेगी। भाजपा ने 3 दिन का अल्टीमेटम फिलहाल दिया है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल वे भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंह। देखिए, जो लूट चल रही थी 27 लूट चालू करने की कोशिश की, उसी को मान लेकर यहाँ पकड़े हुए थे। कल हमने पूरा ज्ञापन दिया और ये सीईओ को जता दिया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम सुधार देंगे। जब सुधार जाता है और जनता है, जनता बहुत कुछ कर सकती है। आज उखाड़ फेंक दी जितने तुम्हारे टोल है। उन्होंने कहा मुझे टाइम दे दो 3 दिन का, हमने 3 दिन टाइम उनको दे दिया। असल उसके बाद में फिर हमने जो अपने कार्यकर्ता जिसमें उनके सिंगल जी हमारे महानदा सारे भाजपा के लोग सारे सभासद सारे पार्षद कैंटमेंट बोर्ड के यहाँ के भी सब ने तय करा कि आज डीएम और एसएसपी कहा जाए, क्योंकि 8 बंद होने चाहिए। तो हमने फिर बात करी तो बात करने पर डीएम साहब ने बुला लिया और उसको बुला लिया, वहाँ से बात कर ली। आज निश्चित तय होगा कि आज 3 जो नए वो लगे हैं आज शाम से अभी से वसूली बंद हो जाएगी और 14, 15, 16 तारीख में बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। सारे पार्षद उसमें बोर्ड की बैठक होंगे, 8 हैं ये बैठेंगे, उसके अंदर सुनिश्चित करने की किया जाएगा। जनता से खुली लूट सड़कों पर बंद होगी 100%। और छावनी बोर्ड के माननीय उपाध्यक्ष हमारे साथ में, माननीय पार्षद सभी आसन हमारे साथ में। जनता वास्तव में कहने की परेशान हो गई, मेरठ जाम हो गया, सही बात तो है। उसको देखते हुए ये तय करा गया आज शाम को 3 जो मुख्य मार्गों पर टोल ऐसा रूप से आज शाम को बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद बचे हुए 2 टोल जो बूथ हैं, आने वाली 16 तारीख को छावनी बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में जो कानून ये बनाया था, इन्होंने प्रस्ताव पास करा था, उसको संशोधित कर, इनके मध्य कमान को जो इनका प्रस्ताव जाता, इसको संशोधित कर
उसका प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। पांचों पांचों टोल बूथ ये रद्द होंगे, निश्चित कर दिया गया है। राज्य सरकार की सड़कों पर कैंटोनमेंट टोल वसूल नहीं लगा निश्चित, ये कहीं ना कहीं गलतफहमी रही, कुछ ना कुछ उसमें एक बात और रही। छावनी बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया, कोई पीडब्ल्यूडी से एनओसी नहीं ली, कोई एनएचआई से एनओसी नहीं ली, बगैर एनओसी के उन्होंने प्रस्ताव लगा दिया, लगाई नहीं सकते, कानूनी रूप से गलत है, अवैध रूप से वसूली की गई है 3 दिन लगातार। ये ऐसा इस मुद्दे को भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी लोकसभा में उठा दिया है। सांसद ने कहा है कि छावनी परिषद ने पुराने अधिनियम को आधार बनाकर हाईवे व राज्य की सड़कों पर भी शुल्क लगा दिया है, जो कि अनुचित है। बीती रात डीएम अनिल ढींगरा से पत्रकारों ने वार्ता की, आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं डीएम अनिल ढींगरा। शहर बिल्कुल जाम के हवाले हो चुका है, शहर में 11 जगह टोल और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कैंटोनमेंट टोल वसूल है, ऐसे में इतना बड़ा हमला आपसे आके मिल रहा है, क्या इस पे मंथन चल रहा है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें जो है काफ़ी पब्लिक की भी जो है बहुत असुविधाओं का जो है सामना करना पड़ रहा था 2 दिन से, जब से टॉल लगाया था, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड ने 11 नई जगह पे लगाया था, जिसमें से 6 पुरानी थी और 5 जो है नई लगाई गई थी, जो इनके द्वारा बताया गया था। तो इनमें इन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था कि इसमें जो है पूरा शहर जो है वो जाम से जूझ रहा है और जहाँ लगाया गया वो वहाँ पर कोई औचित्य भी नहीं लग रहा था, तो रिक्वेस्ट किया गया है, इन्होंने इस पर होल्ड पे कर दिया है और अब इनका बोर्ड का बैठक है, क्योंकि बोर्ड की बैठक में इनका पास हुआ था, तो ये इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग उस पर विचार करके दोबारा से इसको रिकंसिडर करेंगे, और जो 3 मेन पॉइंट्स हैं जैसा आपने बताया पीडब्ल्यूडी का और 2 NH के हैं, उस पर ये लोग इसको सहमति बता रहे हैं कि हम लोग इसको जो है बोर्ड बैठक में रिव्यू करके इस पर निर्णय ले लेंगे, और तब तक इसको आज से इन्होंने होल्ड पे कर दिया। तो अब आज से हटा थे, देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड अपना जो है सक्षम बोर्ड है, वो अपना जो है वो करता है, और इनके द्वारा ये जवाब भी दिया गया था कि हम लोगों ने अपनी जो है पूरी बोर्ड की बैठक में किया है, तो वैध या अवैध का है वो उनको कैंटोनमेंट बोर्ड का है, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक हित में और पब्लिक इंटरेस्ट में जो सही लगा था वो रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने मान भी लिया। जिलाधिकारी ने इस दौरान यह भी माना कि जिन नए स्थानों पर वसूली की जा रही है वहां इनका कोई औचित्य नहीं है। साथ ही बीती रात बताया कि उनके हस्तक्षेप के बाद कैंट बोर्ड द्वारा मवाना रोड, रुड़की रोड व दिल्ली रोड पर लगाए गए बैरियर हटा दिए गए हैं, यानी बोर्ड बैठक तक इन पॉइंटों पर वाहनों से वसूली नहीं होगी, लेकिन यह वसूली कुछ देर बाद ही जारी होगी। अलबत्ता बीती रात जनता व ट्रांसपोर्टर ने दिल्ली रोड पर बैरियर जबरन हटा दिए, लेकिन भीड़ के हटते ही वहां पुनः वसूली शुरू हो गई और आज फैजान इंटर कॉलेज के सामने लगे बैरियर पर भी दोबारा पब्लिक ने विरोध प्रदर्शन किया, उसको हटा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वसूली जारी हो गई। आज इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।